दर्शक बंधु 12 जनवरी 2024 रो दिन 12:30 रे कोर्ट रे हाजर हवा पई भारतर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एवं विश्वर फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक प्रकार समन जारी करा जाय छि। तबे शाहरुख खान को सह मेसी को संपर्क कोन एवं उभय को कोर्ट रे हाजर हवा पई निर्धारित तारीख एवं समय दिया जीवा पछरे कारण कोन। मोटामोटी भावरे आमे किछि दिन तळे एक खबर प्रचारित करितलु कि केमिति विज्ञापन माध्यम रे भारत रे चालुथुबा किछि कोचिंग इंस्टिट्यूट माने साधारण लोकों को जेउभली भावरे निज आडु को टाणिबार जरिया बॉलीवुड सेलिब्रिटी माननको जरिया रे करूचंती एवं एथिनै बापामा माने पिलाटी को भलो पाठ पढैबा पई जेउभली स्तर को जाई संघर्ष करी टंका देउचंती या उपरे सरकार एबे नजर पकाई मिथ्या विज्ञापन बा प्रचार प्रसार करिबा अभियोग रे अनेक गुडीए संस्था को नोटिस जारी करथिबा खबर देथिलु एवं वर्तमान मध्य घटना से भली घटना या कि बाइजू जे आकाश नामक एक कोचिंग इंस्टिट्यूट को निज परिधि को नेची बा अख्तियार करिची एही आकाश मामला रे मोटामोटी भावरे एक प्रकार रो कंज्यूमर केस बोली कहा जाउ उपभोक्ता अदालत एबे शाहरुख खान एवं मेसी को समन करथिबा जणा पड़िची। मामला कोन मामला हेउची कि बिहार रे आकाश इंस्टिट्यूट रे दाखिला करिबा पई जणे व्यक्ति चेष्टा करथिले निजर दुई पुओ को से पढ़ाइबे एवं मोटामोटी भावरे एही व्यक्तिंकर नाम हेउची मोहम्मद शमशेद एवं जेतेबेले एही व्यक्ति बिहार रे थिबा आकाश इंस्टिट्यूट सह जोगाजोग कले एवं कहिले कि से एकाकालीन उभयंकर टंका पैठ करिबा पई असमर्थ तो इंस्टिट्यूट तरफ तांकु कहगला कि व्यस्त हंतु नाही आमे आपनकु ऋण व्यवस्था करदेबु। यहाँ परे परे जेतेबेले एही दुई जण छुआ पाठ पढ़ाक गले से आसी घरे कहिले कि पर्याप्त परिमाण शिक्षार सुजोग एठी नाही एथिरे भलो पाठ पढ़ा हो नाही आमे जीवु नाही एवं यार मासे परे सबसात को स्त्री को नारे एक प्रकार नोटिस आसे कि किस्ती पैठ तुरंत गति से करंतु। शमशेद कहिले मो पुओ मान तो पाठ पढ़ू नहांती एवं जो किस्ती कथा कहुची यह तो एककालीन पैठ हो सारी वर्तमान जेतेबेले मो पुओ माने पढ़ू नहांती मु किस्ती देवी कहीं एवं जेतेबेले मामला बिगड़बारे लगला सेतेबेले से एक अदालतर द्वारस्थ हले। यहाँ परे एही संस्था एही केस रे शमशेद को सह जोगाजोग नकरिबारु एहा तुरंत गति रे ऊपर अदालत को गला एवं एहा परे परे शाहरुख खान एवं मेसी को नोटिस जारी करा गला। एबे शाहरुख खान एवं मेसी को कथा कोन कहा जाए कि एही इंस्टिट्यूट रे पिला मान को टाणीबा पई पढ़ीबा को टाणीबा पई बा प्रभावित करबा पई शाहरुख खान भली बॉलीवुड स्टार जे एहार विज्ञापन करथिले एवं मेसी मध्य विज्ञापन करथिले तेणु साधारण लोक माने एभली बॉलीवुड स्टार मानकर विज्ञान रे कहा जाउथवा रोचक कथा गुडी को अनुसरण करी संभवत एमाने देखाइथिबा पंथारे अग्रसर हुअंती। एथिरे शाहरुख खान केतेबेले भी चिंता करंती नाही एभली जरिया रे जो छात्र माने आसचंती तांकर भविष्यत कोन एमानक मध्यरु केते जण केउ केउ सिलेक्शन होईचंती एमानक कोन करिचंती केमिति एमानक प्रभावित करा जाउची एते कथा भाबबा तांको पक्षरे संभव नुह। द्वितीय कथा हला ए सेलिब्रिटी माने विज्ञापन करी निजर प्राप्य आदाय करी निथंती तेणु विज्ञापन सह मोटामोटी संपर्क रखिथिबा कलाकार माने से पर्यंत सीमित रहुतवा बळे तांकु सामना को आनी तांकु व्यवहार करी बा से विज्ञापन को व्यवहार करी एका संगरे अनेक लोकंकु निज आडकु टाणी आनिबा बा प्रभावित करी आनिबा जो कला कौशल एहा इंस्टिट्यूट ही करिथाय। मोटामोटी जदि आकाश इंस्टिट्यूट रो वेबसाइट को खोलिबे ताहले एथिरे तो दुई तीन टी कथा आपनकर नजर को आसीबो। प्रथम कथा हला कि एही संस्था द्वारा प्राय प्राय लक्षे 22,000 नीट एवं जेई परीक्षा रे कृतकार्य करचंती छात्र छात्री माने 5,000 रु अधिक भलो भलो पाठ पढ़ाउतबा व्यक्तित्व माने एठारे रहिचंती तेणु एभली अनेक गुडी आकर्षणीय कथा कहा जाइछे एवं सारा भारत रे मानकर 300 रु ऊर्ध संस्था कार्य करथवार मध्य माने उल्लेख करचंती एवं एथिरे सीधा थळख पे योर ड्यू बा किस्ती दियंतु एभली एक मोटा मोटा हेडलाइन मध्य वेबसाइट रे आपण देखिबाकू पाइबे अर्थात टंका छाड़ी देले अन्य कोनोसी प्रकार रो घटनाक्रम सह एमाने सहजरे जड़ित होउ नथिबा किछि लोकंकर अभियोग रहिछि। तेबे 12 जनवरी 2024 रे जदि एही सुपरस्टार माने उपस्थित न रही पारिबे त
ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କହିଛି କି ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସମନ ପାଇବାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କି ନାହିଁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ପ୍ରାୟ 5ଟି କପି କରି ପଠାଇବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଏ ମାମଲା କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି ଏବଂ ମେସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ଖବର ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୋଚକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରକାର ରୂପରେ ଚଳାଉଛି, ଯାହାକୁ ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦୂତାବାସ ରହିଥିଲା, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିବାନ ପରଠାରୁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ ଏଠାରେ ଥିଲେ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଏହି କୂଟନୈତିକ ଅଫିସକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ତାଲିବାନ ସରକାର କୂଟନୈତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଠାଇବ କି ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ବା ଏଥିନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।